अल्लाह वालों राम वालों अपने मजहब को सियासत से बचा लो। नमस्कार दोस्तों, ट्रू सर्विस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। रिसेंटली हमने काफ़ी वीडियोस पोस्ट की हैं सीएनसी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, उनके ऑपरेशन से रिलेटेड और कुछ और भी चीज़ें हैं हमारे सिलेबस से रिलेटेड। बट कई लोगों के मन में ये डाउट्स है कि सर जो सीएनसी प्रोग्रामिंग का कोर्स है, कोर्स तो चलो हम सीख जाते हैं बट कोर्स करने के बाद हमको जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो ये हरेक के मन में डाउट है क्योंकि आजकल बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। लोग जाते हैं कॉलेजों में, जाते हैं डिप्लोमे करते हैं, डिग्री करते हैं, डिग्री डिप्लोमा उनके हाथ में तो आ जाता है बट आगे जो मेन प्रॉब्लम खड़ी होती है वो होती है जॉब की। जॉब कहाँ पे जाके करें? जिस कॉलेज से आप कोर्स कर रहे हो, जिस कॉलेज से आप डिप्लोमा कर रहे हो, जिस कॉलेज से आप डिग्री ले रहे हो, उनका फ़र्ज होता है आपको कोर्स के बाद जॉब करवाने का। बट क्या है कि मोस्टली आजकल जो कॉलेज हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेज जो भी हैं, किसी भी तरह के जो कोर्सेज करवाते हैं, चाहे वो मैकेनिकल हैं, चाहे वो टेक्निकल हैं, चाहे वो नॉन टेक्निकल कोर्सेज हैं, बट उसके बाद जॉब की जो श्योरिटी है वो बिल्कुल नहीं है। एक से एक कॉलेज खुल रहे हैं इंडिया में, तो अब कॉलेजों की मतलब बाढ़ सी आ गई है। कहने का मतलब हर महीने में नवे नवे कॉलेज ओपन हो रहे हैं, बट कॉलेज ओपन होने के साथ साथ उनका सबसे पहला जो मेन स्कोप किस तरफ होता है, मेन जो फोकस होता है वो जॉब की तरफ। कहते हैं जो ब्रोशर होता है उसमें लिखा जाता है कि 100% श्योरिटी है जॉब की, हमारे कॉलेज की तरफ से आपको जो जॉब दिलाई जाएगी वो 100% होगी। बट बाद में पता लगता है जब बच्चे निकलते हैं बीटेक करके, 5000 बच्चा निकल रहा है तो उसमें से जो जॉब मिलती है वो 100-200 को ही मैक्सिमम मिल पाती है। तो जो बाकी के जो 4800 जो बच्चे हैं, ठीक है जी, वो क्या करेंगे? फ्री घूमेंगे या चोरी चकारी करेंगे या कहीं जाके मतलब उल्टे सीधे कदम उठा भी लेते हैं? तो यह है कि देखिए, सभी कॉलेज के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। कुछ कॉलेज हैं जो कि जॉब करवाते हैं बट जॉब की फिर भी श्योरिटी जो है वो 100% नहीं होती, कईयों को मिलती है कईयों की नहीं मिलती है। लेकिन अगर हम यहाँ की बात करें सीएनसी प्रोग्रामिंग की, जैसे कई लोग पूछते हैं, कमेंट करते हैं कि सर जो सीएनसी की जॉब है 100% होगी कि नहीं होगी? देखिए, आप हमारे पास आइए, हम आपको कंपनी में भेज देंगे। कंपनी में हमेशा हमारे पास 25 से लेकर 30 जॉब्स रहती रहती हैं सीएनसी प्रोग्रामिंग के लिए। अगर आपको कोई डाउट वगैरह है आप कंपनी में जा सकते हैं, वहाँ विजिट करके देख सकते हैं कि कितनी जॉबें हैं, कितनी जॉब्स हैं उसमें, लेकिन उसका कोई बेनिफिट है नहीं जब तक आपको सीएनसी प्रोग्रामिंग की नॉलेज नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको सीएनसी प्रोग्रामिंग का कोर्स करना पड़ेगा, कोर्स करने के बाद ही आप जॉब कर सकते हो एज ए प्रोग्रामर, एज ए इंजीनियर, कोई भी फील्ड में आपने जाना है, चाहे सुपरवाइजर की जॉब करनी है, चाहे ऑपरेटर की करनी है, चाहे सेटर की करनी है, चाहे प्रोग्रामर की करनी है, वो आप तभी कर सकते हो जब आपको उस चीज़ के बारे में नॉलेज होगी। तो नॉलेज लेने के लिए सबसे पहले आपको कोर्स करना पड़ेगा और कोर्स के बाद जो जॉब है वो 100% हमारी गारंटी है कि आपको जॉब करवाएंगे। तो जिसने भी सीएनसी प्रोग्रामिंग का कोर्स करना है या अपना डाउट वगैरह क्लियर करना है तो आ सकता है बेशक। सबसे पहले आप डेमो क्लास लीजिए, डेमो क्लास की कोई फीस नहीं है। डेमो क्लास में आपको ये बता दिया जाएगा कि क्या हम करवाते हैं, कैसे हम करवाते हैं, हमारा सिलेबस क्या है, उस सिलेबस के अंदर क्या क्या चीज़ें आपकी आएंगी, क्योंकि सिलेबस सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट है तभी आप किसी कंपनी में एज ए प्रोग्रामर परफेक्ट काम कर सकते हो, क्योंकि आपकी कुछ चीज़ें क्लियर हैं, कुछ चीज़ें आपकी अधूरी हैं तो उसमें आप परफेक्ट प्रोग्रामर नहीं कहलाओगे। उसमें क्या होता है कि आप एक चीज़ के लिए गए वो तो आपने कर ली, अब उसी कंपनी में दूसरा पार्ट भी बन रहा है वो आपको आता नहीं है तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। कंपनी का जो ऑनर है वो चाहता है कि मैं ऐसा बंदा रखूं जो हर तरह की नॉलेज रखता हो, उसको हर तरह का काम आता हो, ताकि उसको एक काम के लिए आपको बुलाना पड़ रहा है तो दूसरे काम के लिए किसी और को बुलाना पड़ रहा है, उसको डबल सैलरी देनी पड़ रही है, अगला भी अपना बेनिफिट देखता है। तो कोई बात नहीं, एक बार आप आइए सीएनसी प्रोग्रामिंग ट्रेनिंग सेंटर में, आइए डेमो क्लास लीजिए। डेमो क्लास लेने के बाद अगर आपको लगता है कि आपको यहाँ कोर्स करना चाहिए तो आप ज्वाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लगता है कि नहीं यहाँ पर आप नहीं कर सकते, आपका कोर्स कंप्लीट नहीं होगा, आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट हो पा रहा, आपके मन में डाउट है कि नहीं जॉब नहीं मिलेगी, तो आप कहीं भी ज्वाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट हमारा सिलेबस एक बार लेके जाइए, वो सिलेबस लेने के बाद आप बाहर भी अगर कहीं ज्वाइन करते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ सिलेबस कितना है इसके अंदर, वो पूरा आपका सिलेबस तो कंप्लीट होगा, कोई आपको मतलब गलत गाइड नहीं कर सकता, मतलब जो भी चीज़ें होंगी वो आपको पता होंगी कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। सो दोस्तों, आज के लिए अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।